को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसकी साइकिल है, क्या इसकी डोजेस है, क्या इसके प्राइस हैं, कैसे ये अवेलेबल होगा। और कुछ क्वेश्चंस मेरे को कमेंट में आए थे मेरे दूसरे चैनल पे, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे चैनल में। और गाइस, आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रेनबोलोन, एक परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग है ये ट्रेनबोलोन, ये बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है बॉडी बिल्डिंग में। और इसको यूज करने का जो मेन मोटिव होता है वो लीन गेनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। और साथ ही साथ इसका मिसयूज इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं वो देख के मैं शॉक हो गया कि भाई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ट्रेन को मैं ट्रेन पी के साथ यूज करके एक ही सीरीज में डाल के यूज कर लूं, या मैं इसकी डोजेज 250 mg ले लूं, 300 mg ले लूं, मैं पहली बार यूज कर रहा हूं। तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना इसके लिए, क्योंकि ये सारी जो गलतियां होती हैं ये आपको फायदे की जगह नुकसान दे देंगी। और बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको स्टीरॉइड्स का यूज करना ही है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, बट अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉइड्स का यूज करना ही है तो आप किसी की गाइडेंस के थ्रू ही करें, या फिर किसी कंसल्ट करें डॉक्टर से अच्छे, जो आपको बताएगी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कितना यूज करना है, या फिर वो आपको मना कर देगी भाई आपकी बॉडी के लिए। ट्रेनबोलोन जो होता है वो तीन तरह के फॉर्म में अवेलेबल होता है, एसीटेट, इनहेंथेट और प्रोपोर्शनेट। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है, आपको लीन गेनिंग करनी है या आपको बल्क करना है किसी अलग किसी और सॉल्ट के साथ, जिससे कि आपको ये ट्रेनबोलोन बल्क में भी हेल्प करे। ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ वर्कआउट कर रहे हैं, क्या आपकी गाइडेंस है, किससे आप कंसल्ट कर रहे हैं, क्या आपको सॉल्ट डिस्कस किया गया है, क्या आपका बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी वेट क्या है, ये सब डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। इसकी डोजेस की मैं बात करूँ तो 200 mg तक या 250 mg तक एक हफ्ते में आपकी इनफ है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी एडवांस लेवल पे हो, पहले इसकी साइकिल यूज़ कर चुके हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 75 से 100 mg तक आप ऑल्टरनेट डेज में यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी 300 से 350 mg मिलेगी 3 या 4 डोजेज में जो हफ्ते की होंगी। और चाहूँगा कि आप इसको सेफली चलें। और ये ऑयल बेस होते हैं तो मैं आपको यही एक रिकमेंडेशन करूँगा कि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका शायद बढ़ सकता है, तो आप थोड़ा अपना डाइट का ध्यान रखें, कोई ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं, फ्राइड फूड ना खाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी बॉडी में ऑयल इंजेक्ट कर रहे हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं। और अगर आप ज़्यादा ऑयल अपना यूज़ करेंगे, बाहर से एक्सटर्नली जंक फूड खाना शुरू कर देंगे, या अपना डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, तो बॉडी भी आपकी वैसी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे बढ़ सकता है, वो भी आपको रिस्क दे सकता है। इनकी मैं बात करूँ तो प्राइसिंग में थोड़ा सा ये आपको महंगा अवेलेबल होगा, क्योंकि एक एनाबॉलिक स्टीरॉयड है, बहुत डिमांड में अपना रहता है, बहुत पावरफुल एक तरह का स्टीरॉयड है। तो 3,000 से 3,500 के बीच में आपको एक 10 ml की वाइल अवेलेबल हो जाती है, बट हर किसी को ये अवेलेबल नहीं होती है, जिसको जो अपना इस लेवल पे पहुंच चुका होता है कि उसको लगता है कि भाई हाँ ये कुछ है, उसी को आगे सामने वाला बंदा भी देना पसंद करता है, और उसको भी ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ अगर मैं इसको दूंगा तो ये सेफली इसको ले लेगा, इसको यूज़ करेगा, बट हर किसी को ये अवेलेबल नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये लेना भी है तो आप किसी की गाइडेंस के थ्रू ही लें, और बेटर यही रहेगा कि अगर आप किसी की गाइडेंस के थ्रू लेंगे तो आपको हर चीज़ की गाइडेंस अच्छी मिलेगी। कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को लेने से पहले। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की बात कर ही रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इसके साथ वेलनेस के लिए यूज़ करनी है, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है खानी, क्योंकि हर कोई आपको ये बता देगा कि भाई इससे ये होता है, इससे वो होता है। मैंने भी आपको बता दिया कि भाई इससे आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट फ़ायदे की अगर मैं बात करूं तो फ़ायदे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई अगर आप इसकी साइकिल चलाते हो तो टेस्ट आपको जरूर यूज़ करना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। टेस्ट यूज़ करने के साथ साथ आपको इसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। मैं चाहूँगा कि अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करते हो तो उसको आपको 2 घंटे करना है, आपको इंक्रीज करना है अपना वर्कआउट परफॉर्मेंस को, वो आपकी ऑलरेडी हो ही जाएगी। और आपको कोशिश भी यही करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करना है, स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है, अपने रेपिटेशंस आप बढ़ा सकते हो, अपनी सेट्स आप बढ़ा सकते हो, आपको पुश पुल वर्कआउट कर सकते हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा कर सकते हो, जो आपको मसल को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा वर्कआउट में, ज़्यादा आपको कार्डियो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्डियो करना भी बहुत ज़रूरी है, कार्डियो वस्कुलर हेल्थ बनाना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हफ्ते में 3 दिन जरूर करें। और साथ ही में अब मैं वेलनेस की अगर बात करूँ तो आपको फिश ऑयल लेना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी बॉडी में ड्राइनेस को कम रखेगा। ड्राई होना बहुत अच्छी बात है, आपकी बॉडी अच्छी शेप में आ जाएगी, आपके एप्स दिखने लग जाएंगे, बट ड्राइनेस खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी जो फुली ओवरऑल हेल्थ है उसको अच्छी रखेगा, स्किन को, नेल्स को, आईज को, ईयर्स को, आपकी बोन्स को, जॉइंट्स को, सबको अच्छा रखेगा।
मल्टीविटामिन खानी बहुत जरूरी है ताकि आपकी बोन डेंसिटी अच्छी रहे। कैल्शियम खाना बहुत जरूरी है साथ में, जो आपको हेल्प करेगा आपके कैल्शियम को, आपके बोन्स को एब्जॉर्ब करने में। विटामिन डी अगर आप साथ में उसके ले लोगे तो आपकी कैल्शियम की जो एब्जॉर्बेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिश ऑयल के साथ साथ आप कोई विटामिन मिनरल्स भी ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी सारी ओवरऑल वेलनेस में और आपको प्रिवेंट करेंगी स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ट्रेनबोलोन के ऊपर जो मैंने बेसिक सी बातें आपको बताई और किस तरह आपको सेफली चलना है और क्या क्या इसके नुकसान है, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और चाहूंगा कि आगे भी ऐसी मेरे को मोटिवेशन देते रहें। आप लोग अगर मुझे मोटिवेशन करेंगे तो मैं भी आगे ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा और आप लोगों के हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा जितना मुझे नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड, और जल्दी मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।